Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the Amoretti Sonnet 75 named One Day I Wrote Her Name. Guys, this Amoretti is written by Edmund Spenser. So guys, जो Edmund Spenser है उन्होंने Amoretti Sonnets लिखे, और ये जो Sonnets थे total 89 Sonnets थे. So सबसे पहले हम introduction discuss करेंगे Edmund Spenser का, then we'll discuss about the introduction to Amoretti, और उसके बाद हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे सोनेट 75 की. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो गाइज, एडमंड स्पेंसर वॉज वन ऑफ द मोस्ट नॉबल एंड इनएग्जॉस्टिबल इंग्लिश पॉइट. सो जो एडमंड स्पेंसर है वो एक नॉबल और इनएग्जॉस्टिबल इंग्लिश पॉइट है, और इनका जो जन्म है वो 1552 या 1553 में लंदन में हुआ है, ऐसा माना जाता है. देखो, जो इनका बर्थ ईयर है वो कन्फर्म नहीं है, बट ये पता है कि इन दोनों में से एक साल में हुआ था, इसलिए दोनों ही ईयर यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं या जो भी राइटर्स हैं वो मेंशन कर देते हैं. इन दोनों में से एक साल में इनका जन्म हुआ था लंदन में, और इनके जो फादर थे वो क्लॉथ मेकर थे, और इनकी मदर का नेम था एलिजाबेथ, जिनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है. और जो एडमंड स्पेंसर हैं, इनकी जो इनिशियली एजुकेशन हुई थी वो लंदन में ही हुई थी. एंड गाइज, ही वॉज डाइड ऑन 13 जनवरी 1599, मतलब इनकी मौत हो गई थी 1599 13 जनवरी को. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एमोरेट. तो गाइस, एमोरेटी वाज पब्लिश्ड इन 1595. तो गाइस, ये जो एमोरेटी है ये 1595 में पब्लिश हुई, मतलब स्पेंसर की मौत के चार साल पहले. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 89 पीसेस, मतलब सोनेट्स, और इस एमोरेटी में टोटल 89 सोनेट्स हैं. गाइस, एमोरेटी का जो लिटररी मीनिंग होता है वो होता है लिटिल लव. सो गाइज, सोनेट सीक्वेंस इज द स्टोरी ऑफ स्पेंसर्स कॉर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बॉयले. सो गाइज, देखो, जो ये सोनेट्स लिखे हैं स्पेंसर ने 1 से लेकर 89 तक, बेसिकली ये एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से ये एलिजाबेथ बॉयले को स्यू करते हैं, वू करने की कोशिश करते हैं, उसका एक सीक्वेंस यहाँ पर स्पेंसर ने बताया है कि वो किस तरीके से एलिजाबेथ बॉयले को वू करते हैं. एंड गाइज, इन सोनेट 1 to 67 सेलिब्रेट्स कोर्टशिप. सो गाइज, देखो, जो सोनेट 1 से लेकर 67 तक हैं उसमें कोर्टशिप के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से कोर्ट में एलिजाबेथ बॉयले को वू करने की कोशिश करते हैं. एंड लेटर सोनेट 68 to 89 डिवोटेड टू द बिथरोथल एंड इन एपिथेलेमियन मैरिज इज सेलिब्रेटेड. सो गाइज, देखो, जो एपिथेलेमियन होता है इसका मतलब होता है अ लॉन्ग मैरिज सॉन्ग और पोयम. सो जो 1 से 67 तक सोनेट्स हैं वो इनके कोर्टशिप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद के जो लेटर सोनेट्स हैं वो ये बताते हैं कि उनका जो आगे का रिलेशनशिप था वो किस तरीके से बढ़ता गया. इज नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस सोनेट 75 लाइन बाय लाइन. वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन दिस ट्रेंड. तो गाइस, देखो, पोइट कहते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने बिलवेड का नाम लिखा सैंड, मतलब जो बीच साइड किनारे पर जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, वहां पर उन्होंने अपने बिलवेड का नाम लिखा. बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे. सो गाइस, देखो, पोइट ने यहाँ पर अपने बिलवेड का नाम जब मिट्टी पर लिखा था, ही वॉन्ट्स टू मेक हर इमोर्टलाइज, कि वो उनके नेम को इमोर्टलाइज करना चाहते थे. ही वॉन्ट्स टू इमोर्टलाइज द नेम ऑफ हिज बिलवड. लेकिन क्या होता है, द वेव्स केम एंड वॉश्ड इट अवे, कि मतलब वेव्स आती हैं समुद्र से और उस नाम को, मतलब जो मिट्टी पे नाम लिखा था, आती हैं वहाँ तक और उसको बहा ले जाती हैं. अगेन आई रॉट इट विद अ सेकेंड हैंड. क्या कहते हैं यहाँ पर स्पीकर, पोइट क्या कहते हैं कि वो दोबारा लिखते हैं अपने बिलवड का नाम सेंड पर अपने दूसरे हाथ से. बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, कि मतलब दोबारा से आ जाती हैं वेव्स, जो ये टाइड सी, ये दोबारा से आ जाती हैं और उसकी बिलवड का नाम जो उसने लिख रखा था वो दोबारा से मिटाकर चली जाती हैं. और क्या कहते हैं, मेड माई पेन्स हिज प्रे, कि मतलब मेरा जो दर्द है उसको जो ये टाइड्स हैं, वेव्स हैं, अपना शिकार बना रही हैं. वेन मैन सेड शी दैट डज इन वेन एसे. सो गाइज, यहाँ पर बिलवड आ जाती हैं पोइट की, और क्या कहती हैं वो पोइट को, वेन मैन, कि मतलब वो वेन मैन कहती हैं पोइट को. क्यों? क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू डू सच एन इम्पॉसिबल टास्क. वो ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब मिट्टी पर लिख रहे हैं और टाइड्स और वेव्स तो आएंगी और उसको बहा ले जाएंगी, कि मतलब वो पोइट को ये कह रही हैं कि तुम जो ये कर रहे हो ये बेकार में ही कर रहे हो. दिस टास्क इज इम्पॉसिबल, अ मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, कि मतलब तुम किसी मोर्टल थिंग को इमोर्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हो. बिकॉज नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड विच इज इमोर्टल, हर चीज़ को एक ना एक दिन ख़त्म होना है. फॉर आई माई सेल्फ शेल लाइक टू दिस डिके. क्या कहती हैं कि मोर्टल थिंग्स इनएविटेबली फेड फ्रॉम हिस्ट्री,
कि जो मॉर्टल थिंग्स हैं वो हिस्ट्री से भी फेड होती चली जाती हैं, कि मतलब कोई भी चीज़ इमोर्टल है ही नहीं। और ये जो डीके हो रहा है कि तुम बार बार मेरा नाम लिख रहे हो सेंड पर और टाइड आकर बहा ले जा रही हैं, तो ये तो होना ही है। द वेव्स विल कम एंड वॉश अवे ऑल द ट्रेस, कि वेव्स तो आती रहेंगी और जो भी तुम लिख रहे हो इसको बहा ले जाएंगी, इसका डीके होना ही होना है। एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, कि मतलब तुम लिखते रहोगे और कि मतलब जो वेव्स आएंगी वो इन्हें बहाकर लेकर अपने में वापस चली जाएंगी, वेव्स विल वाइप्ड इट ऑफ। और गाइज क्या कहते हैं यहाँ पर पोएट, नॉट सो कॉट आई लेट बेसर थिंग्स डिवाइज। और गाइज यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, लेट बेसर थिंग्स डिवाइज, कि ऐसा नहीं है जो बेसर थिंग्स हैं, लेट देम बी डिवाइज टू डाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाई फेम, कि मतलब ठीक है हम डस्ट में बेशक से बह जाएंगे, कि मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ सेंड पर बेशक से वो पानी में बह जाएगा, बट यू शैल लिव बाय फेम, कि मैं चाहता हूँ कि तुम नाम से तो जानी जाओ, तुम्हारा फेम तो हो, कि तुम वैसे बेशक से मोर्टल हो जाओ, बट जो तुम्हारा नाम है दैट नेम शुड बी इमोर्टल। माई वर्स योर वर्च्यूज रेयर शैल एटर्नाइज एंड इन दी हैवन्स राइट योर ग्लोरियस नेम, कि जो मेरे सोनेट्स हैं, मेरे सोनेट्स तुम्हारे वर्च्यूज जो है वो हमेशा के लिए रहें। मैं जो सोनेट्स लिख रहा हूँ तुम्हारे बारे में वो सोनेट्स इमोर्टल रहें और हेवन में हमारा जो ग्लोरियस नेम है वो लिखा जाए, कि ठीक है हम सबको एक दिन मोर्टल होना है, हर चीज़ का एक दिन एंड होना है, बट लेट माय सोनेट्स बी इमोर्टल और जो तुम्हारा नाम है वो भी इमोर्टल रहना चाहिए, कि मतलब मेरे सोनेट्स के थ्रू तुम्हें जाना जाए वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा, कि एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो इमोर्टल है। व्हेन वेरियस डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू आवर लव शैल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू। सो गाइस देखो जो ये लास्ट राइमिंग कपलेट है ना, ये हमें इस पूरी पोएम का एक तरीके से सम अप दे रहा है, कि मतलब पोएट ने जब से ये पोएम स्टार्ट की है तब से वो इमोर्टल करने की कोशिश कर रहा है उन चीज़ों को जो कि मोर्टल हैं। सो ये दोनों लाइंस जो हैं बेसिकली इस पूरी पोएम का सम अप हम कह सकते हैं, ये दोनों जो कपलेट्स हैं राइमिंग कपलेट, ये जो लास्ट राइमिंग कपलेट है ये पूरी पोएम का यहाँ पर हमें एक सम अप दे रहा है, कि डेथ कैन नॉट एक्सटिंग्विश लव इट विल लिव ऑन, कि जो डेथ है वो लव को ख़त्म नहीं कर सकती, लव जो है वो हमेशा रहेगा, इट विल बी रिन्यूड एवरी टाइम समवन रीड्स दिस सोनेट, दीज वर्ड्स के नेवर डाई, दस देयर लव विल नेवर डाई। सो गाइस क्या कहते हैं यहाँ पर इन दो लाइनों में, लास्ट में इस पूरी पोएम का सम अप दे दिया है स्पेंसर ने, क्या कहता है वो यहाँ पर लास्ट में, कि जो डेथ है, डेथ हमारा लव कभी ख़त्म नहीं कर सकती, हमारा जो प्यार है वो हमेशा रहेगा, मतलब जो हमारा प्यार है वो इमोर्टल रहेगा, मतलब जो ये सोनेट्स के वर्ड्स हैं जिस तरीके से ये कभी ख़त्म नहीं होंगे उसी तरीके से हमारा जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जब भी कोई रीडर हमारा सोनेट पढ़ेगा उसे हमारा प्यार भी दिखाई देगा, इस तरीके से हमारा जो प्यार है वो भी इमोर्टल रहेगा। सो गाइस जो पोएट ने बेसिकली एक कोशिश की थी, एक एफर्ट किया था अपने बिलेवर्ड के नाम को इमोर्टल करने का, वो यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसफुल हो गया है हम ऐसा कह सकते हैं। सो ये जो सोनेट 75 था ये ख़त्म हो जाता है यहीं पर, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।